मेरा नाम देवव्रत त्रिवेदी है और मैंने आज 10वीं बार रक्तदान किया है और रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है और सभी को रक्तदान करना अच्छा रहा। पहली बार मैंने रक्तदान किया है, इसके पहले मैंने नहीं किया था, लेकिन आज करके आत्मसंतुष्टि की अनुभव हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। रक्तदान जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, रक्तदान महादान। आज शाहगढ़ के आदित्य पैलेस में रक्तदान महादान ग्रुप शाहगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शाहगढ़ की युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। सागर से आई ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन द्वारा ब्लड बैंक का कलेक्शन किया गया। सभी आमंत्रित अतिथियों ने रक्तदान के बारे में अपने अपने विचार साझा किए। आज अपने ट्विंकल जैन द्वारा रक्तदान महादान ग्रुप द्वारा एक बहुत ही बढ़िया रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले अस्पताल की टीम के प्रभारी डॉक्टर महेश जैन द्वारा यहां पर आए हैं और लगभग करीब 25 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और ये एक सायगढ़ मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है, इसके बाद भी अभी लगभग हमें लगता है 50 तक संख्या पहुँच जाएगी। इसमें ट्विंकल जैन का बहुत ही बड़ा रोल है कि इन्होंने लोगों को प्रेरित किया और ये किया, और डॉक्टर महेश जैन की पूरी टीम जो ब्लड बैंक प्रभारी हैं सागर के, उनके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया गया। महादान ग्रुप द्वारा शाहगढ़ में आदित्य पैलेस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम आई हुई है। और जैसे हमारे यहाँ ब्लड सेपरेशन यूनिट है, तो एक ब्लड से 3 लोगों की मदद कर पाते हैं हम लोग। एक ब्लड का सेपरेशन होने से RBC अलग हो जाते हैं, प्लेटलेट अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा अलग, तो 3 अलग अलग व्यक्तियों की उसमें मदद हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है और इसको करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और ये अपना 14 दिन में पूरा ब्लड जैसा पहले था वैसा बन जाता है, तो इससे कहीं कोई कमजोरी नहीं आती है। तो लोगों को अपने मन से विभ्रांति दूर करना चाहिए और इमरजेंसी की स्थिति में हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। रक्तदान की प्रेरणा कहाँ से मिली है? एक्चुअल में एक दिन हमारे ग्राम से आदिवासी समाज के गुलचंद आदिवासी जी भर्ती थे जिला अस्पताल सागर में, और उनके लिए 3 यूनिट बेड की जरूरत थी, जिसको व्यवस्था करने में मुझे पसीने आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि जब मेरे गाँव के मेरे परिचित लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो फिर और लोग जिनका परिचय नहीं है अच्छे लोगों से, मतलब लोगों से, तो फिर उनके और परेशान होना पड़ता होगा। तो मैंने ये सोचा कि रक्तदान महादान ग्रुप बनाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए हमारे क्षेत्र सायगढ़ में कि अगर कोई ऐसा जरूरतमंद परेशान हो रहा है, उसकी सेवाएं पर उसकी मदद हो जाए। इसी से हमारा जो प्रेरणा मिली थी, इसी कारण से प्रेरणा मिली थी कि कोई परेशान ना हो पाए और एक प्रॉब्लम मिली उसका सॉल्यूशन ढूंढने के तरीके को हम कह सकते हैं कि हमारे आज आप देख रहे हैं रक्तदान शिविर लगे। ये बताइए आपको कैसा लगा आपके यहाँ आज पहले से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्रों में दान का जितना महत्व है, उतना ही महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में रक्तदान का है। इसलिए सभी लोग रक्तदान करें और अपना अमूल्य योगदान समाज को दें। सभी रक्तदान करने वाले युवाओं को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए।